हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल महविश किचन, डिलाइट इन एवरी बाइट। आज हम बनाने जा रहे हैं सबका ऑल टाइम फेवरेट शामी कबाब की रेसिपी और शेयर करेंगे सम टिप्स कि आप इसे किस तरह लंबे वक्त के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आइए अब ये आसान सी कबाब की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में लेंगे 1.5 किलो कीमा। इसमें ऐड करेंगे 1 कप धुली हुई चने की दाल, 1 मीडियम साइज आलू, 2 मीडियम साइज रफली कटी हुई प्याज, 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 5-6 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी, 2 तेज़पत्ता, बादिया का फूल, 10-15 दाने काली मिर्च, 5-6 लौंग, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच स्याह ज़ीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, 20-25 सूखी लाल मिर्च और 1.5 चम्मच नमक। अब इन सब चीज़ों को एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें ज़रा भी पानी ऐड नहीं करेंगे, कीमा अपने ही पानी में गल जाएगा। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट प्रेशर कुक करेंगे। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह गल गई है और कीमा भी पक गया है और कीमे से पानी बहुत रिलीज़ हुआ है, तो इसे एक बार फिर से चूल्हे पर चढ़ा देंगे और कीमे का पानी सूख जाने तक पकाएंगे। कीमे का पानी सूख गया है, फ्लेम ऑफ करेंगे और इस मिक्सचर को कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। कीमे से तेज़पत्ता निकाल के इस मिक्सचर को ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। मिक्सचर बिल्कुल फाइन पीस गया है। अब लेंगे 4-5 बारीक कटी हुई प्याज और इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज को गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और 6-7 कटी हुई हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को 1 मिनट भून लेंगे। प्याज फ्राई हो गई है, इसे ऐड करेंगे कबाब के मिक्सचर में। इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच भुने जीरे का पाउडर और खूब सारी धनिया पत्ती। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्सचर रेडी है, अब इसके कबाब बना लेंगे। अब हम शेयर करेंगे कबाब को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करने का सबसे आसान तरीका। सिंपली कबाब को बना के ट्रे या प्लेट पे रखेंगे। अब इस ट्रे को रखेंगे फ्रीज़र में कम से कम 5 से 6 घंटा। ये फ्रीज़ होके बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। अब इसे सिंपली एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। ना कोई पेपर लगाना, फॉइल रैप, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कॉन्टेंट बहुत कम होता है, इसलिए एक दूसरे पर स्टिक नहीं होता। इसे कंटेनर में फिल करके फ्रीज़र में स्टोर करेंगे और जब भी बनाना हो इसे 10-15 मिनट फ्रीज़र से निकाल के रूम टेम्परेचर पर रख देंगे या 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। अब पैन में गरम करेंगे 3-4 चम्मच तेल और इन कबाब्स को शैलो फ्राई करेंगे। कबाब जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो इसे पलट के दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। कबाब दोनों साइड से फ्राई हो गए, इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। इसे सर्व करेंगे दही पुदीने की चटनी के साथ। और ये तैयार है हमारा लाजवाब शामी कबाब। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe to our channel. See you in the next one.